वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस और इस वीडियो के अंदर हम एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 2016 uh, का पेपर जो है इस टॉपिक से रिलेटेड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स का वो डिस्कस करेंगे तो पहला एक्सटेंसिव क्वेश्चन है जी कैलकुलेट आर मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मैथड एंड नंबर टू स्टेप डेविएशन मैथड तो मार्क्स जो हैं वो हैं रेंज थर्टी टू थर्टी नाइन फोर्टी टू फोर्टी नाइन एंड सो ऑन क्लासेस गिवन हैं यहाँ पे और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी वो भी साथ गिवन है और एक चीज़ जो है वो ये है क्लास बाउंड्रीज आप निकालना चाहें तो गुड अगर ना निकालना चाहें तो कोई जरूरी नहीं है आरथमेटिक मीन के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन आ, फिर भी आप इसको हैबिट बनाएं कि क्लास बाउंड्रीज़ को ज़रूर निकाला करें क्योंकि अगर मीडियन और मोड पूछा जाता तो कही कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है तो क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो जस्ट मैं पहले भी बहुत वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इन दोनों को माइनस करें आ, जो डिफरेंस है यानी फोर्टी माइनस थर्टी नाइन इक्व टू वन उसको डिवाइड करें टू पे और जो रिज़ल्ट आए वो लेफ़्ट साइड से माइनस करते जाएं और राइट right साइड पे ऐड करते जाएं तो क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं ये आपके पास आ जाएंगी अब आगे बात के पहला जो पूछा गया जी आर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मैथेड तो ये बराबर है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सम ऑफ़ एफ क्योंकि ग्रुप डाटा है तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एक्स क्लास मार्क क्लास मार्क सिंपल है दोनों को ऐड करें क्लास बाउंड्रीज़ को डिवाइड करते जाएं टू पे 39.5 प्लस 29.5 एंड रिजल्ट जो है आपका उसको डिवाइड कर दें टू पे तो 34.5 इसी तरह 49.5 प्लस 39.5 और जो रिज़ल्ट है उसको डिवाइड करें टू पे तो 44.5 एंड सो ऑन और जस्ट अब एफ़ के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी एफ एक्स थर्टी फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई वन फोर्टी फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई थ्री एंड सो ऑन so और सम ऑफ एफ़ एक्स जो है वो आपका आ जाएगा ट्रिपल एट ज़ीरो और सम ऑफ एफ जो है ये आपके पास है वन ट्वेंटी तो ट्रिपल एट जीरो डिवाइड बाई वन ट्वेंटी इक्वल्स टू सेवेंटी फोर तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड अब स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड भी इसको बोला जाता है वो बराबर होता है जी ए प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई एच ए जो है ये आपकी चूज़ की हुई वैल्यू है एक्स में से वो वैल्यू कोई भी हो सकती है 34.5 फोर uh, 44.5 54.5 टू इन सारों में से कोई भी वैल्यू आपकी ए uh, कहला सकती है तो जैसे कि यहाँ पे हमने चूज़ किया ए 64.5 और अब उसके बाद है एफ़ यू जिसके लिए यू का होना जो है वो ज़रूरी है और यू बराबर है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच के तो एच जो है वो एक्स वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है टेन का डिफरेंस है और यहाँ पे एक्स माइनस ए ए आपने चूज़ किया 64.5 और डिफरेंस है 10 का तो पहली वैल्यू माइनस सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टेन तो ये आ जाएगा माइनस थ्री सेकेंड वैल्यू फोर्टी फोर पॉइंट फाइव माइनस सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टेन माइनस टू और इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें आप यू की और उसके बाद एफ़ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा एफ़ यू यानी कि माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री टू माइनस सिक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू माइनस एंड सो ऑन और फाइनली इसको सम करें जिस वक्त तो आपके पास ये आ जाएगा 114 तो ए आपने चूज कर लिया था 64.5 प्लस सम ऑफ़ एफ़ यू जो है ये आपके पास आ गया जी 114 और सम ऑफ एफ़ जो है वो है 120 और एच जो है वो डिफरेंस जो है वो है आपके पास 10 का और जस्ट सिंपली इसको सॉल्व करें और आपके पास जो मीन सेकंड मेथड जो उन्होंने पूछा तो 74 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले क्वेश्चन में डाटा दिया गया है कि एल ट्वेंटी एट है एफ एम ट्वेंटी फाइव एफ वन ट्वेंटी एफ टू एटीन एंड एच इज सेवन कम्प्यूट मोड और ये सिंपली मोड का फार्मूला है हम मोड के फार्मूला में इस तमाम डाटा को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो मोड हमारे पास आ जाएगा थर्टी पॉइंट नाइन वन सिक्स सेवन फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया जी डिफाइन मोड तो मोड इज़ अ टाइप ऑफ एवरेज इसका जो सिंबल है वो एक्स हैट है और अनग्रुप डाटा के अंदर इसका जो फार्मूला है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है जबकि ग्रुप डाटा के अंदर इसका फार्मूला जो हम ऑलरेडी ऊपर भी सॉल्व कर चुके हैं यही फार्मूला है जिसमें एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है और एफ एम मैक्ममम फ्रिकवेंसी एफ वन मैक्मम से एक ऊपर वाली फ्रिकुनसी एफ़ टू मैक्सीम से एक नीचे वाली फ्रिक्वेंसी और एच जो है वो हाइट ऑफ द क्लास है या डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क्स है और अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहे बहुत सारी जगहों पे मोड सूटेबल एवरेज नहीं है और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप डिपार्टमेंट्स के अतबार से देखें तो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, है कि जहाँ पे मोड जो है उसको वाइडली यूज़ किया जाता है थर्ड क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा गया एन अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 45 एंड मोड इज़ 50 देन फाइंड मीडियन ऑलरेडी हम प्रीवियस पेपर्स में बहुत दफ़ा ये सॉल्व कर चुके हैं uh, मैं बार बार बता चुका हूँ कि कोई भी दो एवरेजेज अगर आपको गिवन है मीन मीडियन मोड में से और थर्ड पूछी गई है तो एम्पेरिकल मेथड को यूज़ करें जो कि फार्मूला है मोड इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन और यहाँ पे मीन 45 है तो मीन की जगह 45 पुट कर दिया और मोड 50 है मोड की जगह 50 फुट कर दिया और जस्ट सॉल्व करें इस इक्वेशन को और मीडियन जो है वो आ जाएगा 46.67 अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे जाएं तो दो ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं कि ना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज ये पहले भी एक पेपर में पूछा गया था सेमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं जबकि Uh, जो आसेमेट्रिकल uh, डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये तीनों बराबर नहीं होते क्योंकि ये सेमेट्रिकल का पूछा गया है, तो इसमें ये तीनों बराबर है और d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए मीन्स द चेंज ऑफ ओरिजिन और अगर ये फॉर्मूला आपने देखा होगा जो इनडायरेक्ट मेथड है अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का ये उसका फार्मूले के अंदर d यूज़ होता है x माइनस ए इसको हम चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं और जो आपका कोडिंग uh, या स्टेप डेविएशन मेथड है जो अभी हमने एक्सटेंसिव में सॉल्व भी किया वो चेंज एंड ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है उसके अंदर स्केल भी आएगा लेकिन डी वाला जो मेथड है वो सिर्फ चेंज चेंज ऑफ ओरिजिन है तो ये था जी पेपर टू सिक्सटीन का और आने वाली वीडियोज़ में मजीद पेपर्स को डिस्कस करेंगे स्टेपलेस टेक ऑफ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन अराउंड यू थैंक यू